हाय माय यूट्यूब फैमिली, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो गाइस, आज हम जानने वाले हैं कि कहाँ है भगवान। गाइस, ठीक है, ओके। एक आदमी हमेशा की तरह अपने नाई की दुकान पर बाल कटवाने गया। बाल कटाते वक्त अक्सर देश दुनिया के बातें हुआ करती थी। आज भी वे सिनेमा, राजनीति और खेल जगत इत्यादि के बारे में बात कर रहे थे कि अचानक भगवान के अस्तित्व को लेकर बात होने लगी। नाई ने कहा, देखिए भैया, आपकी तरह मैं भगवान के अस्तित्व में यकीन नहीं रखता। आदमी ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कहते हो? अरे, ये समझना बहुत आसान है, बस गली में जाइए और आप समझ जाएंगे कि भगवान नहीं है। आप ही बताइए कि अगर भगवान होते तो क्या इतने लोग बीमार होते, इतने बच्चे अनाथ होते? अगर भगवान होते तो किसी को कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं होती। नाई ने बोलना जारी रखा, मैं ऐसे भगवान के बारे में नहीं सोच सकता जो इन सब चीजों को होने दे। आप ही बताइए कहाँ है भगवान। आदमी एक क्षण के लिए रुका, कुछ सोचा, पर बहस बढ़े ना इसलिए चुप ही रहा। नाई ने अपना काम खत्म किया और आदमी कुछ सोचते हुए दुकान से बाहर निकला और कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसे एक लंबी दाढ़ी मूछ वाला अधेड़ व्यक्ति उस तरफ आता दिखाई पड़ा। उसे देखकर लगता था मानो वो कितने दिनों से नहाया धोया ना हो। आदमी तुरंत नाई की दुकान में वापस घुस गया और बोला, जानते हो, इस दुनिया में नाई नहीं होते। नाई ने सवाल किया, भला कैसे नहीं होते हैं, मैं साक्षात तुम्हारे सामने हूँ। आदमी ने कहा, नहीं, वो नहीं होते हैं, वरना किसी की भी लंबी दाढ़ी मूछ नहीं होती, पर वो देखो सामने उस आदमी की कितनी लंबी दाढ़ी मूछ है। नाई बोला, अरे नहीं भाई साहब, नाई होते हैं लेकिन बहुत से लोग हमारे पास नहीं आते। आदमी ने नाई को रोकते हुए कहा, बिल्कुल सही, यही तो बात है, भगवान भी होते हैं पर लोग उनके पास नहीं जाते और ना ही उन्हें खोजने का प्रयास करते हैं, इसीलिए दुनिया में इतना दुख दर्द है। ओके गाइस, शेयर कीजिए गाइस, सब्सक्राइब।